हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस तरह वायरिंग करना बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके घरों में इस तरह सिंगल पोल की एमसीबी या टू पोल की एमसीबी या फोर पोल की एमसीबी लगी होगी, तो इसमें अगर आप इस तरह कनेक्शन करते हैं तो आपको फायदा क्या रहेगा, जैसे आपकी एमसीबी ट्रिप करेगी तैसे आपका ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। और ये हमारे घर में जो सप्लाई जाती है उसके लिए हम ये 100 वाट का होल्डर बल्ब लगाए हुए हैं। अब चलिए यहाँ से हम सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। जैसे सप्लाई को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए हमारी एमसीबी ट्रिप कर गई, जैसे एमसीबी ट्रिप करेगी तो देखिए एमसीबी नीचे की तरफ हो गई, तो हमारा ये वाला बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, शंकर यादव ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, आप लोगों घर में इस तरह एमसीबी लगी होगी, ये सिंगल पोल की एमसीबी है, ये 10 एम्पियर की है, और इसमें जो कनेक्शन हम इस टाइप से करेंगे, अगर आपकी एमसीबी गिर जाए तो आपका एक बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। अगर एमसीबी जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारी घर की जो सप्लाई होती है वो ऑन हो जाएगी। जैसे लोड ज्यादा लोड पड़ने पे एमसीबी अगर ट्रिप कर रही है तो हमारा जो दूसरा वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो गई है, तो इसका कनेक्शन किस तरह करेंगे पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एमसीबी ले लेंगे और एमसीबी के साथ में एक दो होल्डर लेंगे। एक तो हमारे घर में सप्लाई जा रही है, घर के सप्लाई के बारे में हम बताएंगे, और दूसरा हमारा जो ट्रिप करेगा उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम ले लेंगे दो वायर जो हमारे पोल यानी खम्भे पर से आते हैं। अब एक वायर को, किसी भी एक वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे होल्डर के साथ में। एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और इसे अच्छे तरह से यहां पर टाइट कर देंगे। अब दूसरे वाले होल्डर में एक वायर ले लेंगे और जो है एक वाला जो होल्डर है उसका भी एक वायर ले लेंगे, और इस दोनों होल्डर के वायर को हम यहां पर जो हमारी एमसीबी है एमसीबी के ऊपर वाले सिरे पे कनेक्ट कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे तरह से यहां पर टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हमारा एक वायर बच जाता है। अब इस वायर को हम इस तरह एक साथ जोड़ देंगे। इस तरह वायर को कनेक्ट कर लेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद अब यहां पर हम जो है बल्ब को कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे, एक 100 वाट का बल्ब ले लेते हैं जो हमारे घर के अंदर ये सप्लाई जाएगी, और दूसरा वाला बल्ब जो है हमारी जैसे एमसीबी ट्रिप होगी तो हमारे यहाँ पर सप्लाई बताएगी, यहाँ पर करंट को बताने लगा कि आपके एमसीबी जो है वो ट्रिप हो गई, यहाँ से जो कनेक्शन है वो कट गया, आपके घर में सप्लाई नहीं जा रही है। तो चलिए अब यहाँ पर हम मेन पावर सप्लाई दे देते हैं। तो जैसे मेन पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ से एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे एमसीबी ऑन कर लेते हैं, हमारे घर में सप्लाई जा रही है, अब करंट जा रहा है। जैसे एमसीबी ट्रिप कर गई, अब यहाँ से इस तरह एमसीबी ट्रिप करेगी तो हमारा जो है ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे घर की जो सप्लाई है वो कट गई है, एमसीबी ट्रिप हो गया, लोड ज्यादा पड़ गया, ज्यादा लोड पड़ने से एमसीबी यहाँ ट्रिप हो जाएगी। जैसे यहाँ से हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये बंद हो जाएगा बल्ब हमारा, जो हमारे घर के सप्लाई है वो चालू हो जाएगी। तो इसका कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कनेक्शन किया गया है, जो हमारी एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे एक वायर होल्डर का जोड़ा गया, दूसरे वाले जो ऊपर वाले टर्मिनल पे इसमें एक होल्डर वायर जोड़ा गया। तो जैसे यहाँ से एमसीबी ट्रिप करेगी तो हमारा दूसरा वाला बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।